राज्यात कांद्याला कवडीमोल बाजारभाव मिळत आहे, यामुळे शेतकरी संतापले आहेत। काल रविवारी शेतकऱ्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गाडीवर कांदा फेकण्याचा प्रयत्न केला। तसेच केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांना शेतकऱ्यांनी घेराव घालत जाब विचारला। अशा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे। यात ते मला आयुष्यभर कांदा खाऊ घालणाऱ्या शेतकऱ्यांचं भलं करण्यासाठी आमचं सरकार आहे असं सांगत आहे। बघा व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत मोदी काय म्हणत आहेत। ने तो बचपन से जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे। जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। बस इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का, इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का। आप देखिए महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरे कपास पैदा करने वाले किसानों को जो नुकसान हो रहा है, मेरे प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, उन सारी नीतियों को बदल दिया जाएगा और दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के मेरे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। भाइयों, हमारे देश में कहते हैं अगर किसी का नमक खाते हैं ना, तो फिर इस नमक की इज्जत रखी जाती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर किसी का नमक खाया तो नमक की इज्जत रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? अगर मैंने आपकी प्याज खाई है तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आपके कपास से बने कपड़े पहने हैं तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी इज्जत ये हमारी इज्जत है। आपका सुख ये हमारा सुख है। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे करने वाले लोगों में से नहीं है।